उर्दू का दूसरा नाम हिंदुस्तानी है। कुछ गुनगुना सकते हैं? नहीं। अगर मैं दो दिन कोई डिजाइन ना बनाऊं तो तीसरे दिन घबराहट होने लगती है, वो मेरी गजा है। सावन भी तो जाए पिहरवा। यूट्यूब पे बिल्कुल मैं गैर इरादी तौर पे आया, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो आप मुझे बेफिक्र कह रहे हैं? तो आप बेफिक्र हैं और फिक्रे लगा लीजिए कि वो सिनेमैटिक्स पे ज्यादा ध्यान दे या खाने की टेक्निकलिटी पे ज्यादा ध्यान दे। खुशनसीबी ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, इतनी मोहब्बतें हैं कि आप कैप्चर करते करते मर जाएंगे, खत्म नहीं होगा। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को अगर आप रैंक करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी तो जरा अपने व्यूअर्स को बताओ। आप यूट्यूबर हो, यूट्यूबर ही रहोगे। यहाँ भाई आप फारूक शेख साहब से बहुत मिलते हैं। रिजेंबल होने पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। कि जब फीमेल फैंस के मैसेजेस आते हैं तो आपका उस पर क्या रिएक्शन होता है? मुझे कोई अमरीश पुरी में मिलाएगा तो मैं बुरा थोड़ी मानूंगा। मोहम्मद यहाँ कौन है? खुदा के अलावा किससे डरते हैं? गुस्से के अलावा किससे डरते हैं? बेगम से नहीं डरते? तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद यहाँ को इजाजत दीजिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक नए सेगमेंट के साथ हम आने वाले हैं, तो आज जो मेरा सेगमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। मैं इस वक्त हूँ दरियागंज मोती महल पे। थंबनेल आपने देख लिया होगा, थंबनेल में आपको आपके पसंदीदा मोहम्मद याया भाई दिख गए होंगे। तो आज हम याया भाई के साथ कुछ खाएंगे और वो हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे। आइए चलते हैं, मिलते हैं याया भाई से। पकड़ लिया। अरे मुझे अभी पता लगा थोड़ी देर पहले कि आप यहाँ शूट कर रहे हैं। तो फटाफट, बस थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा ही टाइट चल रहा था तो मैं अपना शूट कर चुका हूँ। आप बताएं। यानी आपने खाना खा लिया है? हाँ, मैंने खाना खा लिया भाई। लेकिन देखिए, इस सेगमेंट को जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। छोटा सा ऑर्डर ले लीजिए। एक मटन के कबाब दे दीजिए, सीख कबाब दो पीसेस, एक चिकन टिक्का। पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है, पहले तो हाँ सॉरी, मैंने सोचा था मैं आपसे कहूँगा आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मतलब ये उर्दू का क्या राज है भाई? देखिए, जहाँ आपने उर्दू का राज पकड़ने की कोशिश करी वहाँ आप गुमराह हो जाएंगे। उर्दू रग और रेशे में बहती है वो। आप एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो स्पेशली नहीं पकड़ रखी मैंने, यही माहौल है शुरू से घर का जी। अच्छा, लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है उर्दू जबान को लेके कि ये शायद किसी पड़ोसी की जबान है, ये शायद हमारी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की जबान है। तो आपका उर्दू के बारे में क्या ख्याल है? मैं पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि उर्दू का दूसरा नाम हिंदुस्तानी है। उर्दू हिंदुस्तानी जबान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। कहीं हिंदी माँ हो जाती है उर्दू मौसी, कहीं उर्दू माँ हो जाती है हिंदी माँ से। आगे चलते हैं। अच्छा, आपके किसी भी बात से पहले मैं ये बता दूं, हम इस वक्त मोती महल दरियागंज पर बैठे हुए हैं, गुल के साथ बैठे हुए हैं, और गुल ने एक नया सेगमेंट अपने चैनल पर शुरू किया है। वो सेगमेंट है बातचीत का। ये आज हमारी इनकी बातचीत हो रही है। इसी तरह की ये और बातचीतें कुछ और लोगों से भी करेंगे, इंटरेस्टिंग होंगी, आप ज़रूर देखिएगा। MJ गुल के नाम से इनका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुल, पुरानी दिल्ली में आप रहते हैं, शादी आपकी हो चुकी है, तो ये अचानक से YouTube पर कैसे आ गए? इरादे आपके होते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट ऊपर वाला ही करता है, तो रब जो है उसी को पता है कब किसको कहाँ उठा के बिठाना है। YouTube पे बिल्कुल मैं गैर इरादी तौर पे आया, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था शुरू में। मेरे पास, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक पूरी सीरीज थी फोटोग्राफ्स की, मदीना और मक्का की ग्रैंड मॉस्क की, 10 साल हर साल की बदलती तस्वीरों की मेरे पास पूरी एक सीरीज है, अभी भी है। तो उसको मैंने पहले शोकेस किया, फिर मेरे पास कुछ वीडियोस भी थे, मैंने सोचा वीडियोस कहाँ शोकेस करूँ, तो उसके लिए मुझे YouTube नज़र आया, मैंने YouTube पे शुरू कर दिया, तो बस यूँ ये चैनल बन गया। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि लॉकडाउन ने आपको थोड़ा सा हेल्प किया चैनल को ग्रो करने में? नहीं, मेरा चैनल लॉकडाउन से 1 साल पहले से चल रहा है। थोड़ा सा अंदर का सवाल है, मोनेटाइज कितने दिनों में? मैं बता देता हूँ, बाहर का सवाल है ये भी। देखिए, जनवरी 2019 में मैंने शुरू किया, अगस्त 2019 में मोनेटाइज हो गया था। अच्छा, बड़ी जल्दी मोनेटाइज हो गया कुदरत। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि YouTube के अलावा आपका पहले क्या प्रोफेशन था या अब भी है? मेरा जो शुरुआत हुई ग्राफिक डिजाइनिंग से हुई, प्रोडक्ट फोटोग्राफी से हुई। मैं प्रोडक्ट शूट करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। उन्होंने कहा था या है तो मैं बता दूँ कि अभी भी अगर मैं दो दिन कोई डिज़ाइन ना बनाऊँ तो तीसरे दिन घबराहट होने लगती है, वो मेरी गजा है। मुझे अच्छे डिजाइन बना के मज़ा आता है। डिजाइनिंग मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, वो मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी थी। मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च करी आपके बारे में उसमें मुझे ये पता लगा कि याया भाई ने 23 साल की उम्र में शादी कर ली। कोई प्रेशर था? मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, याया भाई की शादी 23 साल की उम्र में कर दी गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि याया भाई ने कर ली। नहीं, मेरा, मैंने पूरी तरह से वालदैन के फैसले में अपना फैसला पिनहा रखा हमेशा, ऑब्वियसली अब्बा का हुक्म था। तो आपको कभी इस चीज़ का अफसोस होता है? कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब तो होता होगा जब फीमेल फैंस मैसेजेस करती होंगी। नहीं ऐसा नहीं, अब लोग हैरान होते हैं, बहरहाल हैरान होते हैं, हैरान उमर भाई को देख के तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ था, मुंह को देख के हैरान होते हैं। तो अब फीमेल फैंस के मैसेजेस आते होंगे और 100% आते होंगे क्योंकि कमेंट्स में पढ़ता हूँ आपके जी। काफ़ी तारीफ़ें करते हैं आपकी, आपके बालों की तो बात ही अलग है। तो ये मुझे बताइए कि जब फीमेल फैंस के मैसेजेस आते हैं तो आपका उस पर क्या रिएक्शन होता है? कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं अफसोस होता होगा, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। देखिए ये ऐसा होता है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, आपने वो बड़े अच्छे रेट पर एक साल पहले बेची थी, आज उसका रेट फिर बढ़ गया, तो ये तो हमेशा का है। तो कभी भी पछताना नहीं चाहिए, ये सब कुदरती फैसले होते हैं और जिस फैसले में माँ बाप की राय अव्वल रखी जाए वो बेहतरीन फैसला होता है। खुदा के अलावा किससे डरते हैं? गुस्से से। गुस्से के अलावा किससे डरते हैं? बेगम से नहीं डरते? देखिए बेगमात से वो डरते हैं जिनके पास या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपस में या फिर कोई और मसले होते हैं। मेरे साथ बड़ा अच्छा केमिस्ट्री है हम दोनों की। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं कहने वाला होता हूँ वो बेगम बोल देती हैं, कई बार ऐसा होता है वो जो कहने वाली होती हैं मैं बोल देती हूँ। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा इसलिए घूम रहा हूँ कि मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ। हाँ, तो लोग काफ़ी तारीफ़ें करते हैं, लड़कियाँ भी तारीफ़ें करती हैं, तो भाभी का क्या रिएक्शन होता है? खुश होती हैं, खुश होती हैं। हाँ, अपनी दौलत को गिनती हैं और खुश होती हैं। याहिया भाई आप पहले यहाँ आ चुके हैं? नहीं यार, आज पहली बार आया हूँ मैं। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, चिकन या मटन? घर पे अगर पक रहा है तो मटन, बाहर हम कहीं खाने जा रहे हैं तो चिकन। ऐसा क्यों? क्योंकि घर पे जो मटन आता है वो मैं बड़ा देखभाल के, बड़े नखरे से, बड़े प्रिसाइसली कटवा के बनवा कर लेकर आता हूँ, साफ करवा कर लेकर। ये जो आपस में लफ्ज़ों को बुनते हैं ये कहीं से सीखा है या कुदरती है? बोलते बोलते आ जाता है, सब बोलते बोलते आ जाता है। सब यूट्यूब वगैरह सब साइड में रखते हैं। सही। याहिया भाई के हिसाब से मोहम्मद याहिया कौन है? मुश्किल सवाल कर लिया यार। इमोशनल फूल। ये क्या जवाब है भाई? यही जवाब है। देखिए बात यह है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा। और कहीं कहीं ये चीज़ आपकी पॉलिसीज़ को बड़ा बुरा अफेक्ट करती है कि आप इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है मेरे साथ, मैं हो जाता हूँ। तो कोई ऐसा मोमेंट आया है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो? मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, कभी कुछ रिग्रेट हुआ है लाइफ में? हाँ, बस एक ही टॉपिक पर हुआ है, वो ये कि मैं अबू की कम खिदमत कर पाया तो जल्दी चले गए। असल में इंसान जितना बड़ा होता जाता है वो पहले से उतना ज़्यादा मैच्योर होता जाता है और ये आखिरी वक्त तक चलता है। तो आज अगर अबू होते तो मैं अलग अंदाज़ से उनकी खिदमत करता, ऐसा मेरी ख्वाहिश है। खैर बहुत ज़्यादा पर्सनल है, आगे चलिए। कितने ज़्यादा अटैच्ड है अपने फादर से? मैं डिटैच ही नहीं हुआ कभी भी, आज तक नहीं हुआ। तो ये भाई आप ये कबाब ट्राई करिए और बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जावेद साहब जरा ये कबाब चखिए। वो मैंने जावेद अख्तर साहब के सुना था। हाँ, जावेद साहब जरा ये कबाब चखिए चखिए। फिल्में देखते हैं आप? मूवीज़ का शौक एक हद तक क्रेज़ नहीं है। कौन फेवरेट एक्टर है? एक नहीं है। मसलन पुरानी अगर फिल्मों में चले जाएं तो दिलीप कुमार साहब, संजीव कुमार साहब, और आज की अगर देखें तो ऋतिक रोशन, शाहरुख, आमिर खान जो हैं वो स्टोरी पे बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो सबकी अलग सब। तो एक आपके यूट्यूब के ऊपर कमेंट आया था बालों से, मुझे याद आया, अविनाश सिंह रावत का, मोहम्मद सर आप अपने हेयर्स में क्या यूज़ करते हो? कुछ नहीं लगाते यार, हवा लगाता हूँ। विक तो नहीं है? नहीं, खींच के देख लो। नहीं नहीं। अच्छा एक चीज़ लोग बहुत ज़्यादा आपसे पूछते हैं, निशांत महाजन जी का है, याहिया अपना सीक्रेट बता दें प्लीज़, वेट कैसे मेंटेन करते हैं? यार वेट कभी मेंटेन करने की नहीं सोची। आपको क्या लगता है? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर एक्चुअली। हमारे एक रिलेटिव में बड़े बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 90+ उनकी एज थी, उनसे मैंने एक बार पूछा था कि पेट निकल रहा है क्या इलाज है, तो वो हंसे कहने लगे ये तो बेफिक्री की अलामत है। तो आप मुझे बेफिक्र कह रहे हैं? तो आप बेफिक्र हैं और फिक्रें लगा लीजिए, फिक्रें लगाएंगे तो पेट घट जाएगा। तो याहिया भाई अच्छे कमेंट्स तो आते हैं उस पर, ज़ाहिर है आप खुश होते होंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बुरे कमेंट्स आते हैं उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? इख्तलाफ बराए इख्तलाफ होता है, बहस बराए बहस हो रही है, कोई विजन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बस आपने बहस करनी है, बस आपने बुरा कहना है, बस आपने हूट करना है, बस आपने ट्रोल करना है, तो उनको उनका काम करने देते हैं। मैं इतना करता हूँ कि उनको अपने चैनल से बैन कर देता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता। कॉमेंट्स हैं ग्लोबल सेंटर से नेम चेंज करके इसका नाम ओल्ड दिल्ली रिस्ट्रिक्टेड जायका, बस और ऑब्सेशन विद मीट है आपको और कुछ नहीं, विवेक कुमार जी का कमेंट है। अब इस पे क्या? मुझे हैरत है कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट पढ़ूँ ज़रूर, और लेकिन ये बहुत खूबसूरत कमेंट है और इसमें जो इन्होंने शिकायत करी है उसमें अपनापन है। इसमें मुझे इसमें तनकीद दिखी। तनकीद ये है पॉजिटिव तनकीद,
पॉजिटिव तनकीद। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ नॉन वेज पर हैं और दिल्ली के आसपास, पुराने दिल्ली के आसपास हैं। ये अगर मैं ऑनेस्टली कुछ आपको दिखा रहा हूँ तो मैं वही दिखा सकता हूँ जो मैं खुद पसंद कर रहा हूँ। मशरूबात कहेंगे क्या कहेंगे, मुझे उर्दू इतनी अच्छी आती नहीं है। मैं वैसे पर्सनली भी उस जगह पर खाना नहीं खाता जहाँ पर अल्कोहल सर्व हो रही है। थोड़ा सा ख़तरनाक कमेंट मुझे लगा, ओवर स्मार्ट, पता नहीं किसने इसे पोस्ट दे दी ये सब डिसाइड करने की कि खाना अच्छा है। आप ले लें, ये तो मैंने खुद उठा ली पोस्ट, कहीं पड़ी हुई थी, आप भी उठा लें। लेकिन आपको तमीज़ होनी चाहिए खाने को चख के बताने की, खाने को ये ज़रूरत है इसकी। जो संजीदा काम करते हैं या करना चाह रहे हैं या कोशिश है, बस उन्हीं के लिए ये मैसेज है कि पहले चीज़ को फील कीजिए और फिर ज़बान खोलना शुरू कर दीजिए, तो जो कुछ फील किया है वो खुद ब खुद ज़बान पर आ जाए। आपके पर्सनल फेवरेट फूड कंटेंट क्रिएटर हैं, फूड से रिलेटेड वो कौन है? बहुत सारे लोग हैं, कुछ नाम जो सबसे पहला नाम अनुभव सपरा, खाने के प्रति बहुत ईमानदार हैं बॉस, वो भी अच्छा काम करते हैं, वो भी मुझे पसंद है। पड़ोसी मुल्क में हैं ज़िया तबारक, ज़िया मुझे बहुत पसंद है। और ज़िया भाई वो शख्सियत हैं कि जिनको देख के मैंने सीखा है। अच्छा, मौसीकी से आपको क्या ताल्लुक है? पसंद है। किस हद तक? काफ़ी हद तक। मुझे पक्के रागी पसंद है। क्या आप गाने गाते हैं? अपनी हद तक। बाथरूम सिंगर है? बाथरूम सिंगर कुछ नहीं होता है। कुछ गुनगुना सकते हैं? नहीं। देखिए, शौक तो आपको बहुत है, मैंने आपकी टर्की की जो वीडियोस हैं उसमें देखा था आप गिटार बजा रहे थे। हाँ यार, मुझे बजाने का शौक है, गिटार मैंने कीबोर्ड रखा बचपन में, नौजवानी के दिनों में। लेकिन एक लाइन हो जाए, कुछ भी हल्का सा छोटा सा, ये मज़ा ये लगे कि याया भाई गाना गाएं और हम साथ में खाना खाएं। तो एक गाना है मुझे बड़ा पसंद है, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए। बस ऐसा ही है। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। कभी भीड़ होती है मतलब आप समा बांधना जानते हैं, चाहे वो गाना गाना हो, फूड ब्लॉगिंग हो, मोहम्मद याया जो है वो समा बांधना जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और शूट के बाद पूरा गाना सुनूंगा, ये मुझे आपका टैलेंट नहीं पता। चलिए ठीक है। अच्छा याया भाई, जैसे बॉलीवुड में कुछ पर्टिकुलर एक्टर्स के साथ कोई एक नाम जुड़ गया है, जैसे संजय दत्त को हम बाबा कहते हैं, सलमान खान को हम भाईजान कहते हैं, भाई, तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि YouTube में जितने फूड ब्लॉगर्स हैं उसमें आपको सब याया भाई ही क्यों कहते हैं? कभी बुरा नहीं लगता यार? ये रेस्पेक्ट की वजह से कहते हैं। नहीं, रेस्पेक्ट की वजह से, क्योंकि देखिए जब अनुभव सपरा जी की बात होती है तो हम उनके साथ वर्ड यूज करते हैं सर या जी, अनुभव सपरा जी। हाँ। लेकिन जब मोहम्मद याया की बात होती है तो याया भाई, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? ये इससे कनेक्टिविटी पैदा होती है, मुझे पता लगता है कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, ये रिस्पेक्ट की निशानी है। और जब हम याया भाई बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं कि वो अपना अंदाज़े बयां वो याया भाई जैसा ही कर लेते हैं। उस पर याया भाई का क्या कॉमेंट है? यार मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेता हूँ एक्चुअली। अच्छा, अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है। कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, गुल है, गुल याया को नहीं बेच सकता, याया अनुभव सपरा को नहीं बेच सकता, अनुभव सपरा ज़िया तबारक नहीं बन सकते। सब अपने अंदर कंप्लीट हैं, सब खुद को बेचते हैं, सब बिकते हैं, तो इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। YouTube पर आप खुद को कामयाब यूट्यूबर मानते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ बनने की। कब आपको लगेगा कि मैं बन गया? जितनी ज़्यादा मोहब्बत मिलती है लगता है कि पहले से ज़्यादा कामयाब हो गया, और ये चीज़ बतदरीज जारी है। चलिए बहुत खूब, वो तो हम भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली यू हैव टच 2 लाख सब्सक्राइबर्स जी, नाउ 2 लाख से ज़्यादा हो गए जी, के साथ इतनी सारी बातचीत हुई, इतनी एनर्जी है आपके अंदर, कभी उम्र छुपाते हुए डरते हैं या बता देते हैं बेबाक होकर? बेबाक होकर बता दो कितनी। मैं 78 बॉर्न हूँ, हिसाब लगा ली। मैथ्स में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मेरे ख्याल में 44 कम्प्लीट कर चुका। लगते तो आप अभी 30s में हैं। मुझे कोई डर नहीं अपनी उम्र बताने में, मैंने कभी हेयर कलर नहीं लगाया। काले बालों पर क्या काला रंग चढ़ा? नहीं, बाल सफ़ेद हैं, सारे सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन कभी मैंने ये तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी दिखाता है ना। अब वो आप अच्छा आस्पेक्ट से देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो ये बाल जो है ये धूप में सफ़ेद हुए हैं या अब्बा की उंगली पकड़े सफ़ेद हुए हैं? क्या बात है, ये कहाँ से लाते हैं आप ये सब, ये मुझे जानना है। जो कुछ हुआ है वो बता रहा हूँ, कहीं से लाना ही नहीं पड़ता। एक सवाल है, ये वाइट और ब्लैक शर्ट के पीछे रास क्या है? सिर्फ यही दो कपड़े ही क्यों पहनते हैं? दुनिया में जितने भी कलर्स हैं, बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में आते हैं, तो ये दो ब्रैकेट हैं, सारे दुनिया के कलर इनके अंदर हैं। और मुझे पर्सनली ब्लैक कलर की शर्ट और वाइट कलर की शर्ट पसंद है। हो सकता है
कि मैं आगे सारी शर्टें सिर्फ वाइट या सिर्फ ब्लैक कर लूँ। कुछ बाल आपके भी मैं यहाँ से देख रहा हूँ टाइगर श्रॉफ जैसे हैं, ऐसे ही उनके। भाई प्लीज़ यार, किसी में मत मिलाओ। ना मिलाऊँ? तकरीबन 20-22 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल में 90s में आई थी बाजीगर मूवी, तो 90s की बात कर रहा हूँ मैं। मूवी बाद में आई, एक स्पेक्स लगा रखा था मैंने, तो एक साहब ने अच्छा बाजीगर वाला स्पेक्स लगा रखा है, तो मैंने वो स्पेक्स चेंज कर लिया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मुझे आप किसी से कंपेयर करें, भैया वो बहुत ऊंचे लोग हैं। ये जो बात आपने बोली है वो बहुत ऊंचे लोग हैं, हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये आपने इस बात को कवर किया है या फिर आप हैं ऐसे? दोनों बातें सही हैं, एक भी बात गलत नहीं है। वो लोग लेजेंड्स हैं, वो हीरोज़ हैं यार। अब देखो, एक तो मैं आपके लिए और लोगों के लिए भी बता दूँ, एक तो यूट्यूबर कोई भी हो, कॉन्टेंट क्रिएटर, वो अपने आप को कभी भी ये ना सोचे कि मैं कोई सेलिब्रिटी बन गया। आप यूट्यूबर हो, यूट्यूबर ही रहोगे। तो आप यूट्यूब को कुछ छोटा मानते हैं? हाँ, एग्जैक्टली, छोटी चीज़। ये बड़ा पर्दा थोड़ी है। लेकिन अब तो बड़े पर्दे से लोग यूट्यूब की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। वो कर सकते हैं। बोला? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। और मैंने देखा लॉकडाउन में बहुत से लोग घबरा के सेलिब्रिटीज जो हैं वो एकदम से उन्होंने चैनल्स बनाए और वो बावलों की तरह इस तरफ आए। मगर मैंने एक चीज़ और देखी है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अगर चैनल बना लेते हैं वो वहाँ नहीं चलते, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। और इसी तरह से यूट्यूबर अपने आप को सेलिब्रिटी ना समझे कभी भी, मेरा ऐसा मानना है। आप एक कॉमनर हैं, एक आम आदमी हैं, आप वही रहेंगे। तो अब यूट्यूब को एक बड़े पर्दे से कैसे इतना छोटा मान सकते हैं? इंटेंसिटी अलग है दोनों की, दोनों ही अपने अंदर असर रखते हैं, लेकिन इंटेंसिटी अलग है और बहुत अलग है। वो जो दुनिया है फिल्म इंडस्ट्री की, बहुत बड़ी दुनिया है, वो बहुत ताकतवर दुनिया है। कि कमेंट्स में काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यह भाई आप फारूक शेख साहब से बहुत मिलते हैं। देखिए, रिजेम्बलेंस किसी की भी किसी में हो सकती है, लेकिन आप इस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करते कोई आपको किसी से कंपेयर करे। रिजेम्बल होने पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ना मैंने अपना चेहरा खुद बनाया। मैं चश्मा लगा रहा हूँ और उसको कोई कहे तुमने उसके जैसा लगाया, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अच्छा, ये तो अगर है तो कुदरती है, ये तो मैं कहीं ले जा ही नहीं सकता। तो आप इसको कैसे लेते हैं? मुझे कोई अमरीशपुरी में मिलाएगा तो मैं बुरा थोड़ी मानूंगा। खुद को यूट्यूबर मानते हैं आप? खुद को एक फूड ब्लॉगर मानते हैं या कंटेंट क्रिएटर मानते हैं? यूट्यूबर आमतौर पर लोग कहते हैं, क्योंकि फेसबुक पर भी वीडियोस जा रहे हैं। अब आप इसको फेसबुकर कहिएगा कि क्या कहिएगा वो आप देखिए। तो कंटेंट क्रिएशन जो है मेन तो फोटे वही है, और कंटेंट क्रिएशन में मैं फूड पर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को अगर आप रैंक करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ज़रा अपने व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले यूट्यूब, जो आपको ज़्यादा कदर से आपका कंटेंट लेता है। सेकंड नंबर पे फेसबुक। इंस्टाग्राम कभी भी कुछ आपको पैसे नहीं देता, जो दुनिया में हर एक से फ्री कंटेंट ले लेता है इंस्टाग्राम, और लोग खुश होकर देते हैं। क्या यूट्यूब रातों रात इंसान को अमीर कर देता है? यूट्यूब से हटके मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर कोई भी दवा ऐसी है कि गोली अंदर दम जलंदर कर रही है तो वो नुकसानदेह होती है। यानी आपने सपोज आपने पेन किलर खाई और खाते ही आपको बेहतरीन आराम आ गया, तो वो नुकसानदेह दवा होती है। तो शॉर्टकट किसी भी चीज़ में कुछ नहीं है। तो यूट्यूब की भी बात ऐसे ही है कि ऐसे रातों रात कोई भी अमीर नहीं बनता। ये धीरे धीरे ग्रो होता है आपके कंटेंट पे, आपके सबर पे, और आपकी लगातार बेहतर से बेहतर की जस्तजू पे डिपेंड करता है कि आप किसी मुकाम पे पहुँचेंगे या नहीं। मैंने चलना शुरू किया है अभी, समझ लीजिए यूट्यूब की दुनिया में मैंने घुटनों चलना शुरू किया है, अभी मैं क्रॉल कर रहा हूँ, हद कुछ नहीं है। 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद आप ये कह रहे हैं कि आप क्रॉल कर रहे हैं? यार, हर वक्त डरते रहना चाहिए कि आपने जो आपने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, हर अगला वीडियो उससे कंपैटिबल होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि कंटेंट ख़त्म हो गया तो क्या करूँगा? कंटेंट ख़त्म नहीं होगा, वो अगर कंटेंट ख़त्म हो रहा है तो आप में कमी है। खुशनसीबी ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, और ये सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरे मुल्क में इतनी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, इतने कल्चर, इतने रंग, इतनी कौमें, इतने डिशेस, इतने कुजीन, इतनी मोहब्बतें हैं कि आप कैप्चर करते करते मर जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन चलते चलते मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप जो न्यू फूड ब्लॉगर्स हैं उनको कुछ टिप्स दीजिए कि वो सिनेमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, या खाने की टेक्निकलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, या अपने शब्दों के चयन पे ज़्यादा ध्यान दें। किस चीज़ पर ध्यान देना है एक न्यू फूड ब्लॉगिंग करने वाले बंदे को? सबसे पहले खाने की नॉलेज, सेकंड नंबर पे उस नॉलेज को अपने अल्फाज में बयान करना आना चाहिए, तीसरे नंबर पे सिनेमेटिक्स आता है।
और लोग इसका उल्टा करते हैं मेरे ख्याल में। लोग सबसे पहले सोचते हैं कि बढ़िया सा कैमरा ख़रीदें, बढ़िया सा माइक ख़रीदें, उसके बाद शुरू करेंगे, वो शुरुआत ही नहीं होती फिर कभी। तो ये भाई चलते चलते कोई मैसेज अपनी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को? वो मेरी ऑडियंस हो या गुल की हो, गुल ने ये शुरुआत की है, इनको सपोर्ट कीजिए, पढ़ा लिखा कंटेंट मिलेगा आपको इनके चैनल पे, ये मुझे यकीन है, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी ऑडियंस का, बस प्यार बनाए रखें। वेडिंग फूड का सेगमेंट शुरू किया है, उसको देखिए और उसके लिए मुझे वेडिंग्स बताइए कब कहाँ हो रही हैं। मेरी कोशिश है हर कौम, हर मज़हब, हर कल्चर की वेडिंग आपके लिए लेकर आऊँ, और सिर्फ खाने पर फोकस रहे, बस यही मैसेज है। तो भाई जिन लोगों को अपनी शादी के खाने के लिए आया भाई को इन्वाइट करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप रजिस्टर करें। चलिए यार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याय को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।